नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी में हैं। जी हां, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मधुबनी कांड तो आपको याद होगा ना, मधुबनी में जो नरसंहार हुआ था, 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद बिहार की सियासत तेज है। और आज नेता प्रतिपक्ष मधुबनी में थे, परिवार वालों के बीच थे, और परिवार वालों को उन्होंने खूब आश्वासन दिया है और कहा है कि सरकार से जो आपकी लड़ाई हम है लड़के रहेंगे, और लड़ाई लड़ने के लिए जहां तक जाना होगा वहां तक जाएंगे। इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस मौके पर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचे थे, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान एक युवक जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलना चाहता था, पर नीतीश कुमार की पुलिस ने उसे मिलने नहीं दिया, टांग के किनारे फेंक दिया। जी हाँ, फेंक दिया। हम यूं कहेंगे क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें देखिए पहले आप कि किस तरह से युवक बिलख रहा है तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, अपने युवा नेता से मिलने के लिए। वो अपना कोई दुखड़ा उन्हें सुनाना चाहता है। लेकिन पुलिस ने पास नहीं जाने दिया। दरअसल पुलिस मौके पर तैनात थी, जो सरकार की स्थानीय पुलिस है, जो स्थानीय प्रशासनिक पुलिस प्रशासन और पुलिस जो वहां पर तैनाती थी, वो पुलिस वाले जो हैं युवक को उन्होंने तेजस्वी यादव के पास नहीं जाने दिया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से उन्होंने पुलिस वालों ने युवक को पहले रोका, और उसके बाद युवक बिलखने लगा और किसी कीमत पर वो नहीं मानने को तैयार था। उसने कहा कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करके ही दम लेगा। उसके बाद पुलिस वालों ने उसे टांग लिया और टांग कर किनारे कर दिया, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से युवक की मुलाकात नहीं हो सकी। तो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें निकल कर आई हैं मधुबनी दौरे की, जो तेजस्वी यादव आज मौके पर पहुंचे थे, मधुबनी पहुंचे थे और परिवार वालों से मुलाकात की है, उसके बाद सरकार पर हमला भी बोला है। तो आज मौका था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मधुबनी दौरे का, और मधुबनी दौरे पर उन्होंने सरकार के खिलाफ खूब जो है खूब बयानबाजी की और परिवार को आश्वासन भी दिया। इस बीच जो ये तस्वीर आई जिसमें युवक जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस वालों ने, जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने उसे मिलने नहीं दिया उस युवक को, और युवक रोते बिलखते रह गया और पुलिस ने उठाकर उसे किनारे फेंक दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।